नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मीरा भाईंदर वसईविरार आयुक्तालय अंतर्गत एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मीरा भाईंदर वसईविरार पुलिस आयुक्तालय के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पीआई और हवलदार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ी है। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस रेड में हवलदार गणेश बड़वे 15 लाख रूपये रकम रिश्वत लेते रंगी हाथों पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि ठाणे एसीबी द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर यह खबर सामने आई है कि किसी आरोपी को उसकी अटक नहीं करने और उसको जामीन में मदद करने के नाम पर इन दोनों पुलिस वालों ने उस आरोपी से 50 लाख रुपए की मांग की थी। उस आरोपी के परिवार से जब 50 लाख की मांग की थी, बाद में 35 लाख देना तय हुआ और उसके 15 लाख पहली किस्त 15 लाख के रूप में यह पैसा लिया जा रहा था। तभी सामने वाले ने तकरार की और उसकी कंप्लेन पर एसीबी ने यह पूरा जाल बिछाते हुए गणेश वड़वे नाम के हवलदार को रंगे हाथों पकड़ा, जबकि महेंद्र शेलार जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के, वो फरार बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर वसईविरार आयुक्तालय अंतर्गत एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां इतने बड़ी रिश्वत की रकम के साथ अधिकारी धरे गए। इससे पहले भी मीरा भाईंदर वसईविरार आयुक्तालय अंतर्गत एसीबी की रेड हो चुकी है और हाल ही में वसई में भी एक एसीबी की रेड हुई थी, जहां एक एमएसीबी का इंजीनियर 2000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। तो अभी फिलहाल एसीबी काफी सक्रिय है और मीरा भाईंदर वसईविरार आयुक्तालय क्षेत्र में एसीबी की पहली नजरें है, जिससे एसीबी लगातार कार्यवाही कर रही। तो हम अभी आपको यह खबर दिखा रहे थे, यह खबर जुड़ी हुई थी मीरा भाईंदर वसईविरार आयुक्तालय से, जहां के इकोनॉमिक ऑफेंस के सीनियर अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े हैं। फिलहाल पुलिस इंस्पेक्टर फरार है जिसे हमने बताया, और पुलिस हवलदार पुलिस की कस्टडी में, मीरा रोड में मामला दर्ज हुआ है और आगे की कार्यवाही पुलिस कर रही है। अभी के लिए इतना ही। खबर के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।